नैशनल एससी कमिशन की टीम पहुंची पिंड कान्यावाली। मामला पिंड विच पुलिस कुटमार की घटना का बीते दिन श्री मुक्तसर साहिब के पिंड कान्यावाली विखे पुलिस नाल मारकुट की घटना के मामले विच पिंड वासियां वल्लों किसान मजदूर जथेबंदियां दे सहयोग नाल संघर्ष किया जा रहा है। पिंड के दलित भाईचारे के लोगों का कथित दोष है कि इस मामले की असलीयत कुछ होर है। पुलिस दलित लोगों को मामला दर्ज कर परेशान कर रही है। इस मामले विच अज नैशनल एससी कमिशन विजय सांपला वल्लों एक टीम पिंड कान्यावाली विखे पहुंची। इस टीम में DIG अवनीत कौर, कुलदीप सिंह भंगेवाला, निजी सहायक शामिल सन। पिंड वासियों नाल मीटिंग उपरंत उन्होंने कहा है कि मौके का जायजा लिया गया और इस उपरंत अधिकारियों नाल मीटिंग उपरंत रिपोर्ट कमिशन नूं सौंपी जाएगी। आप मौका देखने आए हो, क्या लोगों से बातचीत हुई है? हमारे पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी गुलाल सिंह की फैमिली की तरफ से, जिसमें उन्होंने पुलिस की तरफ से जबरजना के आरोप लगाए थे कि उनकी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ और उन पर एक झूठा पर्चा किया गया। उसी की पूछताछ करने के लिए आज हम यहाँ गांव में आए हैं। गुरलाल के परिवार के मेंबर से हमारी बातचीत हुई है, जिनमें उन्होंने बहुत डिटेल में हमें बताया, इवन कि कुछ विटनेसेस थे मौके के, उनसे भी हमने बातचीत की है। और ये अब सारी बात लेके हम प्रशासन के साथ हम मीटिंग करेंगे, उनके सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी। क्योंकि अगर ये मामला SC के अगेंस्ट SC परिवार के लोगों को ज़बरदस्ती उठा के लेके जाया जा रहा है झूठे पर्चे में, तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और अब DC और SSP साहब के साथ मीटिंग में ये सारी बातें ली जाएंगी। चलो संतू साहब की कहना चाहूँगे, अज कानेवाली विखे जो पिछले दिन SC परिवार के लोगों के नाल दुकान ते पुलिस मुलाजमान की लड़ाई हुई, उसकी सच्चाई की है? सच्चाई जानने वास्ते साढ़े को मानयोग विजय सापला जी जो SC कमीशन के चेयरमैन ने उन्हों को एप्लीकेशन गई, मेरे को गौरव ठेला जी साढ़े हलका इंचार्ज ने उन्होंने और पाला सिंह होर ने गल की। मैं मानयोग विजय सापला जी ने गुहार लाई तो मैडम उन्होंने अपॉइंट करके, मैडम अवनीत कौर जो DIG ने अजक PS ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंट करके मौके पर पहुँचे ने, मौके से सारे का व्यू लिया, मौके से सारे की गलबात सुनी है, उन्होंने सारे मद्देनज़र रखते हुए हम DC साहब ने SSP साहब ने मीटिंग होएगी, इस तो बाद वो मुताबिक कमिशन के सामने सारी गल्लां होणगियां, जो इंसाफ आ वो इंसाफ दिता जाएगा।